नमस्कार वियली भाइयों, मैं अश्वनी कुमार राजपूत आज पुनः आप सभी लोगों का आज की मुलाकात के इस संस्करण में स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं वो विषय रहेगा रैप और आईएनएस में रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए। जैसा कि अभी हमने जो एक चेंज हुआ है, आपने देखा होगा कि कोई भी वियली भाई अगर अपनी स्क्रीन को खोल रहा है और इंश्योरेंस के सर्विस पे जा रहा है तो वहां पे क्लिक हेयर का ऑप्शन उसको इनेबल कर दिया गया है। तो उसमें हो क्या रहा है कि कुछ हमारे वीएलडी भाइयों को लगता है कि हम इसको सर्विस को कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता। इंश्योरेंस की सर्विस को करने के लिए आपको या तो रैप या वीएलडी आईएनएस का सर्टिफिकेशन करना होता है, जिसके लिए उन्हें एक ऑनलाइन एग्जाम देना होता है। उसके बाद ही वो अपने पोर्टल से, डिजिटल सेवा पोर्टल से इंश्योरेंस की सर्विसेज कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस की सर्विसेज में मैं पहले बताना चाहूंगा कि हमारे साथ सर्विसेज हैं कौन कौन सी। तो हम इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस यानी स्वास्थ्य बीमा, लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा, और जनरल इंश्योरेंस में ही आता है हेल्थ इंश्योरेंस और मोटर वाहन बीमा। ये तीन तरीके के बीमा हम अपने डीएसपी पोर्टल से कर सकते हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि अगर आप इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और क्या उसका प्रोसेस है। तो सबसे पहले जो भी वीएलई भाई इंश्योरेंस की सर्विस अपने पोर्टल से देना चाहते हैं उन्हें insurance.csecloud.in की वेबसाइट पे जाना होगा। जब आप इसकी वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, वीएलई आईएनएस और वीएलई और रैप। तो आप अगर मान लीजिए कि वीएलई आईएनएस के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या रैप के लिए, दोनों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सेम है, सिर्फ सेलेक्ट आपको करना है, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होती। वीएलई रैप में कुछ फीचर्स बढ़ जाते हैं। तो जैसे आपने वीएलई आईएनएस का एग्जाम के लिए सेलेक्ट किया वीएलई आईएनएस, वीएलई आईएनएस के टैब पे आप जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, दो चीजें वहां पे आपको दिखाई देगी, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन। तो हमें, अगर हम पहली बार जा रहे हैं वहां पे, तो हमें वीएलई रजिस्ट्रेशन, आईएनएस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे, डिजिटल सेवा पोर्टल का जो लॉगिन का पोर्टल होता है, जो स्क्रीन होती है, वो आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। आप CSC ID, अपना पासवर्ड और कैप्चा डाल करके सीधा वीएलई आईएनएस रजिस्ट्रेशन के पेज पे पहुंच जाएंगे। रजिस्ट्रेशन पेज पे जाने के बाद आप देखेंगे कुछ इंफॉर्मेशन वहां पे ऑटो फिल होती है। ऑटो फिल का मतलब, जैसे आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब ऑलरेडी वहां पे फिल किया हुआ रहता है और ये एडिटेबल नहीं होता। आपको जो वहां पे फिल करना होगा वो होगा आपका पिन कोड, आपकी क्वालिफिकेशन जो आपको वहां पे लगानी है, और फोटो। फोटो अपलोड करते वक्त एक चीज जो हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है वो ये, फोटो क्लियर होनी चाहिए और 25 KB से 75 KB के बीच की होनी चाहिए, यानी फोटो का जो साइज है वो 25 KB से कम ना हो और 75 KB से ज्यादा ना हो। अगर इन दोनों में से कुछ भी होता है, या 24 KB की होती है या 76 KB की होती है, तो फोटो अपलोड नहीं होगी। फिर आते हैं आप एजुकेशन। इसके बाद जब नीचे आप आएंगे तो आपको एजुकेशन का एक वो दिखेगा, वहां पे आपको अपनी एजुकेशन सेलेक्ट करनी है, जो हाईएस्ट एजुकेशन है आपकी वो सेलेक्ट करेंगे। वो सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा उससे रिलेटेड, पैन, आपको अपना पैन नंबर डाल के पैन अपलोड करना होगा। ये सारी चीजें करने के बाद आप नीचे सबसे देखेंगे तो वहां पे आता है प्रोसीड टू पे का टैब, आपको उस पे क्लिक कर देना है। और डॉक्यूमेंट अपलोड करते वक्त एक बहुत की चीज यहाँ भी ध्यान देनी होगी कि जो भी हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वो स्कैन इमेज क्लियर हो और मैक्सिमम साइज उसका 75 KB हो, यानी 75 KB से ऊपर की कोई भी फाइल साइज हमें अपलोड नहीं करनी है। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो हमें करने नहीं देगा। जैसे ही आप प्रोसीड टू पे जाएंगे, जैसे आपने वीएलई आईएनएस का कर रखा है, तो आपसे ₹200 की फीस वहां पे वॉलेट से डिडक्ट होगी और आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। सेम अगर आप आईएनएस के लिए जा रहे हैं तो वहां पे सारी प्रोसेस सेम होंगे, सिर्फ फीस वहां पे ₹350 होगी। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपके पास जो स्क्रीन खुल के आएगी वो डैशबोर्ड आएगा एक, वहां पे वीएलई का, जैसे आप आईएनएस पे हैं तो आईएनएस का डैशबोर्ड खुलेगा। सबसे ऊपर आपकी प्रोफाइल होगी, आप एक बार प्रोफाइल चेक कर लो, इसमें सारी चीजें सही हैं। उसके नीचे मॉड्यूल,
फिर एग्जामिनेशन, फिर रिजल्ट, ये आपको आपके कंप्यूटर स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे दिखेगा। एग्जामिनेशन, रिजल्ट और सर्टिफिकेट। तब अगर हम आईएनएस का दे रहे हैं तो वहां पे हमें एग्जाम देने से पहले कुछ मॉड्यूल्स होते हैं जो क्लियर करने होते हैं। मॉड्यूल्स का मतलब कुछ पाठ्यक्रम होता है इंश्योरेंस से रिलेटेड, जिसे आपको पढ़ना समझना है, और इसी ही से ही रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर आपको एग्जामिनेशन के दौरान देना होता है। जैसा बात कर रहे हैं हम आईएनएस की, तो वहां पर टोटल जो मॉड्यूल आपको होंगे वो 16 मॉड्यूल होंगे, और 16 में से हमें कम से कम 5 मॉड्यूल्स तो पूरे करने हैं तभी हम आगे एग्जामिनेशन पे जा पाएंगे, अन्यथा हम एग्जामिनेशन पे क्लिक नहीं कर पाएंगे। वो बार बार एरर दे देगा हमें, योर मॉड्यूल्स आर नॉट कंप्लीटेड करके। एक मॉड्यूल जब आप खोलेंगे लाइन से, आप कंप्लीट कर रहे होंगे, तो लॉन्च के बटन पे क्लिक करेंगे, पूरा नीचे तक जाएंगे, पढ़ेंगे और फिर उसको क्लोज कर देंगे। जब तक उसको क्लोज नहीं करेंगे दूसरा मॉड्यूल हमारा ओपन नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखिए कि बीच बीच से हम मॉड्यूल नहीं पूरे कर सकते, हम एक लाइन से पूरे करने होंगे। एक बार जब आपके मॉड्यूल पूरे हो जाते हैं तब हम जाते हैं एग्जामिनेशन के लिए। एग्जामिनेशन ऑनलाइन ही होता है। एग्जामिनेशन देने से पहले थोड़ी सी चीजें ध्यान रखिएगा कि आपके डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे कनेक्टिविटी प्रॉपर हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर हो, और आपके उसमें कोई भी एनी डेस्क या इस टाइप की जो रिमोट एप्लीकेशन होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। अगर वो रहेंगी तो एग्जामिनेशन स्टार्ट नहीं होता, और कैमरा उसका भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर बीच में किसी भी नेटवर्क के कारण से या इलेक्ट्रिसिटी के कारण से आपका एग्जामिनेशन रुक जाता है तो उसे हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ 30 सेकंड का ही टाइम होता है, या 30 मिनट का ही टाइम होता है। 30 मिनट में ही आपको एग्जामिनेशन कंप्लीट करना होता है, और अगर हम 30 मिनट में एग्जामिनेशन अपना कंप्लीट नहीं कर पाते तो उसे हम फेल का रिजल्ट आता है। तो ये चीज बहुत ही ध्यान देने वाली है कि सबसे पहले कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई हम देख लें अपने जिस भी सिस्टम से हम लैपटॉप या डेस्कटॉप से एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। एग्जामिनेशन देते वक्त आप देखेंगे कि वहां पे आपको जब क्लिक करेंगे तो वो आपको एग्जामिनेशन के पेज पे ले जाएगा। जैसे आप एग्जामिनेशन के पेज पे पहुंचेंगे तो लिख देगा क्लिक हेयर टू स्टार्ट एग्जामिनेशन। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे ऊपर 30 मिनट का जो टाइमर होता है वो सर स्टार्ट हो जाता है। 30 मिनट में आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप वीएलई आईएनएस में, मैं जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी वीएलई आईएनएस का, तो आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, यानी हर क्वेश्चन के 4 आंसर दिए होंगे, 4 में से 1 सही होगा और 3 गलत। आपको जो क्वेश्चन लेंगे उसी क्वेश्चन जो मॉड्यूल आप ऊपर क्लियर करके जा आए हैं उसी से ही पूछे जाएंगे। आपको 25 क्वेश्चन, 25 में से 10 क्वेश्चन आप सही करो तो आपका रिजल्ट कि आपको
क्षमा चाहूंगा, कुछ तकनीकी कारणों की वजह से हमारा कनेक्शन जो है वो थोड़ी देर के लिए बाधित हुआ था, जिस वजह से स्क्रीन ब्लैंक हो गई थी। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एग्जामिनेशन कंप्लीट करने के लिए आपको मिनिमम 10 क्वेश्चन 25 में से BLEINS के रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन में आपको जरूर सही करने होंगे। अगर आप 9 क्वेश्चन ही का आंसर सही दे पाते हैं तो आपको जो रिजल्ट होगा वो फेल का होगा, यानी आपको पास होने के लिए कम से कम 10 प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सही देना होगा। और इन प्रश्नों के उत्तर देने से पहले आप मॉड्यूल्स को अच्छे से समझें, इसके बाद ही एग्जामिनेशन चालू करें अपना। एक बार यदि आप एग्जामिनेशन में पास हो जाते हैं तो नीचे ही उसके सर्टिफिकेट का ऑप्शन आता है, आप वहां पर से जाकर के अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप किसी भी तरीके से या कुछ कारणों वजह से फेल हो जाते हैं तो वहीं रिजल्ट पे जब आप जाएंगे, रिजल्ट के टैब पे जाकर के नीचे आप री एंटर फॉर एग्जामिनेशन के लिंक से वापस फीस दे करके दोबारा एग्जामिनेशन दे सकते हैं। RAP INS की फीस, री एग्जामिनेशन फीस जो है वो INS के लिए 100 रुपये और RAP के लिए 200 रुपये री एग्जामिनेशन फीस। और जब आप एक बार सक्सेसफुली पास कर लेते हैं एग्जामिनेशन और सर्टिफाइड हो जाते हैं रैप या INS के अंतर्गत, इसके बाद ही आप डिजिटल सेवा पे अपने इंश्योरेंस सर्विसेज को कर सकते हैं। इसके पहले हम सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, रिन्यूअल प्रीमियम के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन कोई भी किसी भी तरीके का नया बीमा डिजिटल सेवा पोर्टल से नहीं कर सकते। एक बार आप जब सर्टिफाइड हो जाते हैं, इसके बाद आप जैसे ही जाएंगे क्लिक हेयर का ऑप्शन करेंगे तो आप जिस भी कंपनी के टैब पे जा करके क्लिक हेयर करेंगे, अभी जो नया सिस्टम आया है कंपनी के पास ऑटोमेटिक आपका डाटा फेच हो जाएगा, आप उनके डाटाबेस में आ जाएंगे और आप काम करने लगेंगे। कुछ कंपनियों के साथ में अभी ये चीज नहीं हो पाई है, तो 15 जुलाई तक अमूमन सबके साथ हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर पास कर लिया और आपका अगर क्लिक हेयर का ऑप्शन नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत है। कुछ कंपनीज हैं जैसे जनरल इंश्योरेंस में गो डिजिट से हमने पूरा कर लिया है, आप जिस दिन पास करेंगे, पहले जो होता था कि एक बार एग्जामिनेशन पास करने के बाद में 15 से 20 दिन और कभी कभी तो ये समय और भी अधिक हो जाता था हमें लाइफ इंश्योरेंस की सर्विस एक्टिव होने के लिए, तो इन सारी कमियों को दूर करने के लिए हमने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। और अभी एक API के थ्रू अगर आप आज ही पास करे हुए आपने पास किया है रैप या INS, तो आप आज से ही अपनी इंश्योरेंस की सर्विसेज दे सकते हैं अपने पोर्टल से। एक बार जब आप इंश्योरेंस पोर्टल पे एक्टिव हो जाएंगे, आपके उस पे इंश्योरेंस सर्विसेज एक्टिव हो जाएंगी, तो आप वहां से इंश्योरेंस की सर्विसेज दे सकते हैं, चाहे वो जीवन बीमा हो, चाहे वो मोटर बीमा हो, चाहे वो स्वास्थ्य बीमा हो। अगर इससे संबंधित किसी भी जानकारी, कोई भी समस्या या जानकारी आपको चाहिए है तो आप मेरी मेल आईडी पे मुझे मेल करके उसका समाधान कर सकते हैं। एक बार मैं अपनी मेल आता हूँ, आप लिख लीजिए, अश्वनी ASHWINI.RAJPUT राजपूत @CSC.GOV.IN। इस मेल आईडी पे आप अपनी समस्या को भेज करके उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जब आपकी इंश्योरेंस की सर्विसेज शुरू हो जाएं या जिनकी शुरू हो चुकी हैं और वो लोग इंश्योरेंस अपने पोर्टल से, अपनी आईडी से कर रहे हैं, तो प्लीज ध्यान रखें, इंश्योरेंस करने से पहले उस पे जो भी आप जानकारी डाल रहे हैं कस्टमर की, वो एक बार देख लें, सही से डालें, किसी भी तरीके की कोई गलत जानकारी करके इंश्योरेंस ना करें, क्योंकि ये कानूनी अपराध है। और इस तरीके की गतिविधियों में अगर हमारा कोई भी BVLE पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। ऐसा पाया गया है कि कुछ BVLE कुछ कंपनीज के द्वारा प्रलोभन देने पे कुछ गलत बीमा कर देते हैं गाड़ियों का, तो कृपया करके ऐसा कतई मत करें। आपकी CSC ID को तो बंद किया ही जाएगा, साथ ही साथ आपको कानूनी प्रक्रियाओं से भी गुजरना पड़ेगा, जिसमें आपको बहुत ही कष्ट होगा। और जहां तक बात रही इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस में जो कमीशन होता है, कमीशन की, तो कमीशन हमारा लगभग हर जगह पे इंस्टेंट कमीशन होता है। आप जैसे ही कोई भी बीमा करते हैं तो उसका कमीशन आपको वॉलेट पे तुरंत प्राप्त हो जाता है, यानी जो भी होती है वो आपका कमीशन डिडक्ट करके कटती है।
तो मैं सभी वीएलई भाइयों से निवेदन करूंगा कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा बीमा अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से करें और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए मुझसे या अपने जिला प्रबंधक से संपर्क करें। आप सभी लोगों ने आज हमको समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले बुधवार को इसी समय मैं आपसे पुनः मुलाकात करूंगा किसी नए विषय के साथ में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।